जैसा कि आप देख रहे हैं कलेक्ट्री के बाहर वाल्मीकि समाज की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह धरना प्रदर्शन जो जुस्सा होटल में कल जो हादसा हुआ था, दो कर्मचारी मर गए थे, लेकिन कल से अभी तक प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंगी है। वाल्मीकि समाज न्याय दिलाना चाह रही है मृतकों को, और ये कहना चाह रही है कि मृतकों को मृतक अनुकंपा के तहत नौकरी दी जाए और 10 लाख जो मुख्यमंत्री कोष से सहायता मिलती हो उनको दिलाई जाए। आज नगर निगम उदयपुर के कर्मचारियों का समर्थन मिला है और कर्मचारियों के साथ में रहकर वाल्मीकि समाज पूरे जोश खरोश के साथ प्रदर्शन कर रहा है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई है तो कल उसी जुस्सा के बाहर जाकर कर्मचारियों के साथ में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उस होटल को बंद करवाया जाएगा। धन्यवाद। और जो दो घायल हैं उनका उपचार चल रहा है, उपचाराधीन है और उनका राहत है अभी। कितने घंटे हो चुके हैं घटना में? ये घटना कल की है, कल की 1 बजे की है और अभी तक इस घटना को लेकर कम से कम 24-25 घंटे हो चुके हैं और अभी तक भी प्रशासन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और प्रशासन ने हमारे जो प्रतिनिधित्व मंडल है वो वार्ता कर रहे हैं और बहुत जल्दी आसार है कि यह मामला प्रशासन के सहयोग से निपट सकता है। अभी वार्ता चल रही है अंदर? अभी अंदर वार्ता चल रही है। हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है, हमारे समाज के मोदी लोग, वो लोग वार्ता कर रहे हैं और इस वार्ता को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर फिर भी नहीं होता, प्रशासन नहीं माना, क्योंकि अभी तक जो हमारे मृतक हैं वो मुर्दा कोठरी में मोर्चरी में पड़े हुए हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक हम उनका दाह संस्कार नहीं करेंगे। और अन्य जिलों में कोई प्रदर्शन हुआ है? अभी तक हमारे उदयपुर के जितने भी सेक्टर ऑफिस है और उदयपुर जिले में ही हमारा प्रदर्शन चल रहा है और इसका प्रदर्शन को लेकर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया आ रही है अदर जिलों में से, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी जिलों में इसका विरोध हो और इसका न्याय दिलाने की कोशिश करें सभी जिले वालों से मेरी निवेदन है। क्या लग रहा है सब्र का बांध टूटता जा रहा? बिल्कुल, समाज का सब्र का बांध इसलिए टूटता जा रहा है कि कल से जो ये आप देख सकते हो कि कितनी गर्मी में पूरा नगर निगम कर्मचारी और सभी लोग खड़े हुए हैं, समाज के लोग, तो जितने ज्यादा लोग हैं उन लोगों को सब्र का बांध टूटने जा रहा है। और ये ना हो कि आने वाले समय में प्रशासन को मजबूर होना पड़े, क्योंकि हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं समाज के जो बच्चे जिन बच्चों की डेथ हुई है उनके हित के लिए कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं और आने वाले समय में उनको उनके घर में सुख समृद्धि उनके घर में जो दुविधा पड़ी है उसको निपटने के लिए हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं।